हाँ जी, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बोहर्स ने जो क्वांटाइजेशन कंडीशन दी थी, क्या थी थी कंडीशन? mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है जी? क्वांटाइज्ड रहता है। एंगुलर मोमेंटम mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। पर उसको वो प्रूव नहीं कर पाया। उसको वो क्या नहीं कर पाया था जी? प्रूव नहीं कर पाया। उसको प्रूव किसने करा? डी ब्रॉगली ने। ठीक है जी, 10 साल के बाद उसने प्रूव करा। कंसीडर करें जी, क्या ऑर्बिट है? जैसे यहाँ कंसीडर कर रखे हमने 3 ऑर्बिट्स है। फर्स्ट ऑर्बिट ये जो ब्लैक से दिख रहा है, उसके साथ एक वेव एसोसिएट है जो रेड से दिख रही है। सेकेंड ऑर्बिट में कितनी वेव है जी? दो वेव आप देख रहे हैं। और जैसे ये थर्ड ऑर्बिट है, उसमें कितनी वेव है? 3। तो एन वन तो वेव भी 1, एन टू तो वेव भी 2, एन थ्री तो है वेव 3। तो अगर nth के लिए देखेंगे तो कितनी वेव होगी? n वेव्स होगी, n वेव होगी। nth ऑर्बिट के लिए देखो, कंसीडर करो कि इसमें लिखना है कंसीडर द रेडियस ऑफ द रेड कंसीडर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज small r, is small r of the electron which is revolving around the nucleus, which is revolving around the अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है जी, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा जी? हाँ जी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द न्यूक्लियस, सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या होगा? 2πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट क्या होगा जी? 2πr। अब nth ऑर्बिट है तो उसमें कितनी वेव्स होंगी? n नंबर ऑफ वेव्स आर देयर, n नंबर ऑफ वेव्स आर देयर इन द nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। देयरफॉर इफ, नहीं देयरफॉर नहीं लिखना, इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ one wave, then total wavelength क्या होगी थी? lambda, n lambda, total wavelength क्या होगी थी? n lambda, और ये किसके बराबर होगी थी? 2πr, 2πr, circumference के बराबर होगी, किसके बराबर होगी थी? circumference, 2πr is equal to n lambda. According to डी ब्रोगली, according to डी ब्रोगली, एक वेव एसोसिएट होती है मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ। अब इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है जी? रोटेट, तो उसके साथ क्या होगी जी? वेव एसोसिएट होगी, और उस वेव की वेवलेंथ कितनी होगी? लैम्डा एच अपॉन एम वी, ड्यू नेचर से हमने पढ़ा है। ठीक है जी, डी ब्रोगली ने क्या बताया था? जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसके साथ क्या एसोसिएट होती है जी? वेव एसोसिएट होती है, और उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी? डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देंगे 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी। ठीक है जी, एम वी उधर लगे जी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, hence root। ठीक है जी, ये derivation भी 2 नंबर की आ जाती है। सही, आप सोचो ये छोटा सा टॉपिक है, कई बार आएंगे जी सीबीएसई में 2 मार्क्स। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है पहली बात करते हैं। एक्साइटेशन में ना इनर्जेशन पोटेंशियल की बात होती है। एक्साइटेशन पोटेंशियल को मैं ईपी लिख रहा हूँ। ईपी क्या होगा जी? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था सेकंड चैप्टर से?
वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक्साइटेशन क्या समझते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन। अगर कोई ई वन से ई टू पे जा रहा है तो कितनी एनर्जी चाहिए थी? कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करता है वो? ई टू माइनस ई वन। एच न्यू क्या होता है? ई टू माइनस ई वन। ई वन चेंज इन एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क डन। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कौन जा रहा है जी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ई। तो ई टू माइनस ई वन बाय ई एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है जी। और एक्साइटेशन एनर्जी कोई पूछ ले? एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट इनफिनिटी तक जा रहा है तो ई टू माइनस ई वन आ जाएगा। ई टू माइनस ई वन एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला। एग्जाम्पल लेते हैं जी। सपोज एन इक्वल टू वन से जा रहा है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और कहां तक जा रहा है जी? टू तक। टू पर एनर्जी कितनी होती है? तो एनर्जी कितनी चाहिए? माइनस 3.4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी 13.6। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना चाहिए जी? हाँ जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय ई। ई से ई कैंसिल हो गए, ई से ई कैंसिल हो गए, ई से ई कैंसिल हो गया। तो ये आ गया जी 10.2 वोल्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। बस लास्ट टॉपिक है जी आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल को आई पे लिख रहा हूँ। ग्राउंड लेवल से जो आप इंफिनिटी तक जाने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं जी? आयनाइजेशन एनर्जी। n इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी तक जाने के लिए उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या होगा? e इंफिनिटी माइनस e1। e इंफिनिटी 0 होती है। e1 कितना होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई थी आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन किसके बराबर होता है? एनर्जी चेंज इन एनर्जी। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय ई, ई से ई कैंसिल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? 13.6 वोल्ट। पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू जंप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू जंप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू वन स्टेट ऑफ द एनर्जी टू द हायर स्टेट, लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है जी। थैंक यू।